हुंडई वर्ना का सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है SX ऑप्शनल। अगर SX ऑप्शनल पेट्रोल वेरिएंट की मैं बात करूँ, इसका प्राइस है 12,93,000। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का DV कार एंड बाइक की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सपशिन और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे फीचर्स, वो सारे ऑप्शन जो आपको मिलने वाले हैं Hyundai Verna SX ऑप्शनल वेरियंट में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करेगा, साथ ही 144 nm की टॉर्क जनरेट करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसके पेट्रोल वेरिएंट में आपको एक डिसेंट सी पावर देखने को मिल जाएगी। नो बात करें अगर ट्रांसमिशन की, तो SX ऑप्शनल वेरिएंट में आपको जो ये पर्टिकुलर प्राइस है 12,93,000, ये इसका एक शोरूम प्राइस है, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। बट नाउ बात करें इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की, तो इस कार के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जो आपकी दोनों ही फ्रंट सीट्स हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, वो दोनों आपको वेंटिलेटेड देखने को मिल जाएंगी, जो कि इस सेगमेंट में अगर वरना प्रोवाइड कर रही है आपको तो एक अच्छा ऑप्शन है। उसी के साथ साथ बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नाउ आजकल की कार्स में एक्सटीरियर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी है कंपनीज, चाहे उनकी हेडलैम्प्स हो, चाहे उनके फॉग लैम्प्स हो, ग्रिल हो, उन सब चीजों को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको DRL का फंक्शन भी दिया गया है। बेसिकली वहां पे आपको डे टाइम रनिंग LED भी देखने को मिल जाएगी, आपको हेडलैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगे। बट अगर बात करें इसके फॉग लैम्प की, तो इसमें जो आपको फॉग लैम्प है वो आपको हेलोजन बल्ब ही देखने को मिलेगा, इसमें आपको LED फॉग लैम्प नहीं देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको हेडलैम्प्स में टर्न इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड कॉर्निंग हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी वहां पे दिया गया है। जब बात करते हैं सेडान कार्स की, तो उसका मतलब होता है कंफर्ट, स्पेशियस। और वरना के अगर मैं स्पेशियस होने की बात करूं, तो इसकी जो बूट है उसमें आपको 480 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है, जो कि इनफ होती है। लाइक इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऑल्दो अगर हम कभी कभार की बात करें तो अलग होता है, लेकिन अगर हम डेली लाइफ या फिर लॉन्ग ट्रिप्स की बात करें तो 480 लीटर एक अच्छे नंबर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन भी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप अपना जो वरना का टेल गेट है उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं, तो इंटीरियर में ऑल्दो जब मैंने इसका वॉक अराउंड रिव्यू किया था, तो मुझे वहां पर फील हुआ था कि जो इसका हेडरूम है, बेसिकली जितनी भी सेडान्स कार होती है उसमें आप बोल सकते हैं जो हेडरूम है वो 5'10" से अबव जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, जस्ट बिकॉज उनका जो डिजाइन होता है वो थोड़ा सा स्लीक डिजाइन होता है। लाइक पीछे की तरफ ज्यादा कर्व करने की वजह से वो जो हेडरूम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा रिक्लाइन होके बैठना पड़ता है। सो ये इशू आपको वरना में भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो अगर स्पेस की बात करें, तो वहां पे 3 लोगों के लिए आपको सेकंड रो में इजीली स्पेस मिल जाएगा, आप उस पे लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं एंड आपको इसमें अच्छा खासा इंटीरियर भी देखने को मिल जाएगा। नाउ वहीं पर अगर मैं बात करूं और फीचर्स की, तो इसमें आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, लाइक जितनी भी आपको सीट्स वगैरह हैं वो सब लेदर्स की देखने को मिल जाएंगी। आपको इसमें 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसी के साथ साथ जो इसमें आपको सनरूफ है वो भी इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी एंड इसमें आपको कार कनेक्टेड के ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। बेसिकली जो Hyundai का ब्लू लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी कार में वॉइस कमांड वगैरह दे सकते हैं, तो आपको कार कनेक्टेड फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे वरना SX ऑप्शनल में। अब बात करते हैं इसके पार्किंग कैमरे की, तो उसमें आपको जो रियर पार्किंग कैमरा दिया गया उसमें आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपकी पार्किंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके केबिन की, तो इसमें आपको ब्लू कलर की एम्बेड लाइटनिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो इसका IRVM है वो भी मैनुअल नहीं है, आपको इसमें ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है। लाइक अंधेरा होने पर जब हमें रिफ्लेक्शन पड़ती है IRVM में, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कार कनेक्टेड ऑप्शन मिलता है, तो जो इसकी IRVM है उस पर आपको ब्लू लिंक का जो बटन है वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। क्वेस्ट सेंसर होता है वो सिर्फ आपको ड्राइवर की साइड देखने को मिलेगा, को ड्राइवर की साइड वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ अगर मैं बात करें ड्राइवर्स विंडो की, तो जो ड्राइवर्स विंडो होती है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन है। साथ ही साथ इसमें आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएंगी स्टीयरिंग में। साथ ही साथ जो उसका ग्लव बॉक्स है उसमें भी आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे बेसिक फीचर्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से Hyundai ने ध्यान दिया है उन फीचर्स पे, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये तभी इतना ज्यादा बिकता है क्योंकि आपको कम प्राइस में सारे जो बेसिक फीचर्स है वो मिल रहे होते हैं। हाँ, अगर हम ट्रांसमिशन को छोड़ दें तो हमें ऑलमोस्ट सारी ही चीजें देखने को मिल जाती हैं वरना में।
बट वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आपको 10.25 इंच का TFT क्लस्टर देखने को मिलता है। बेसिकली आपको बीच में स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी, बट जो स्पीडोमीटर और RPM मीटर है वो आपको एनालॉग ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको ऑडियोमेटिव नेविगेशन HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वहीं पर बात करूं मैं, इसमें आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्यूटर्स भी देखने को मिलेंगे, तो आपका ओवरऑल एक डिसेंट सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा इसके केबिन के अंदर। नाउ जो इसका TFT डिस्प्ले है उसमें आपको डोर हैजार्ड वार्निंग एंड टेल गेट वार्निंग दोनों ही देखने को मिल जाएंगी। सो ये वीडियो थी वर्ना SX ऑप्शनल के फीचर्स के बारे में जो आपको इस पर्टिकुलर कार में मिलते हैं। एज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो उसका एक्चुअल शोरूम प्राइस वो है 12,93,000। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।